अमित और कार्तिक दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। इन्होंने सौरभ को नया पार्टनर बनाया है फॉर एन इक्वल शेयर। अब जो उसके एडमिशन पे गुडविल वैल्यू की जाएगी वो 4 इयर्स परचेज और सुपर प्रॉफिट की जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपको बैलेंस शीट दे रखी है अमित और कार्तिक की ऑन द डेट ऑफ सौरभ्स एडमिशन। अमित की कैपिटल 90,000, कार्तिक की कैपिटल 50,000, क्रेडिटर्स 5,000, जनरल रिजर्व 20,000, बिल पेबल है 25,000, टोटल है ₹1,90,000। एसेट साइड में फिक्स एसेट है 75,000, फर्नीचर है 15,000, स्टॉक है 30,000, डेटर है 20,000, कैश है 50,000, टोटल है 1,90,000। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आपको दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 12% पर एनम, और आपको पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है जो कि है ₹30,000। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चों आपको निकालना है सौरभ के हिस्से की गुडविल। ठीक है बच्चों, अब वो कैसे निकाली जाएगी? सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाली जाएगी बच्चों, जिसके लिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए जो दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए उसके लिए आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको इस बैलेंस शीट से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी भी दिखा देता हूँ बच्चों आपको, और फिर इनके डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, फिर 4 इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी, और उसका 1/3 करके सौरभ के हिस्से की गुडविल आ जाएगी। है ना बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं किस स्टेप की। सबसे पहले निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। एसेट साइड अप्रोच यूज करेंगे तो एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिएगा तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, और अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच यूज कर रहे हैं तो कैपिटल में बस जनरल रिजर्व प्लस कर दीजिए तो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, देख भी लीजिए इस चीज को। एसेट है 1,90,000 की, आउटसाइड लायबिलिटीज आपकी 30,000 है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर। ठीक है बच्चों, 1,90,000 में से 30,000 गया तो 1,60,000 आ जाएगा। कैपिटल की बात करें तो नए पार्टनर के अलावा जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल है 1,40,000, और 20,000 आपको जनरल रिजर्व दे रखा है। आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी तरीके से निकाल लीजिए इतनी ही आ रही है, 1,60,000। है ना बच्चों, अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई बच्चों, तो आप एक काम करिए नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड को जो कि 1,60,000 है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो कि 12% है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 19,200। ठीक है बच्चों, अब आप सुपर प्रॉफिट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपको 30,000 दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 19,200 है, ये आ गया 10,800। दिस इज सुपर प्रॉफिट, नॉट द गुडविल, ध्यान रखिएगा बच्चों। है ना बच्चों, अब निकालते हैं हम लोग अपना फर्म की गुडविल जो कि सुपर प्रॉफिट को 4 इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके निकल आएगा। तो गुडविल आ गई बच्चों पूरे फर्म की, सुपर प्रॉफिट जो कि 10,800 है इंटू इयर्स ऑफ परचेज, ये आ जाएगा बच्चों 43,200। हमें तो निकालनी है नए पार्टनर की गुडविल, सौरभ की गुडविल। उसके लिए पूरे फर्म की गुडविल को उसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि 1/3 है, ये आ जाएगा 14,400। और इस तरह से हमारा सौरभ के हिस्से गुडविल निकल गई। फर्म की गुडविल तो हमने पहले निकाल ही ली थी बच्चों, ये रही। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच दोनों से निकाली है। लायबिलिटी साइड अप्रोच में मैंने कैपिटल्स में जनरल रिजर्व को प्लस किया है, एसेट साइड अप्रोच में मैंने टोटल एसेट्स में से केवल आउटसाइड लायबिलिटीज को हटाया है। दोनों ही केस में हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 आई है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, आगे समझ में?